आज हमारे साथ हैं फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ BCCI और फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम सेलेक्टर मिस्टर संजय जगदाले जी। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर स्मार्ट सिटी की दौड़ में है, तो आपके पास क्या सजेशंस है कि इंदौर को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, मैं सोचता हूँ स्मार्ट सिटी में काफ़ी जो प्रधानमंत्री जी का प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटीज बनाने का, उसमें काफ़ी एरिया कवर हो जाता है, पर मैं सोचता हूँ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, कि उनको इम्प्लीमेंट कैसा किया जा रहा है और उस पर्टिकुलर शहर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं सोचता हूँ इंदौर की प्रायोरिटी जो है स्वच्छता का है, जो कचरा जो कहते हैं वेस्टेज मैनेजमेंट, कचरा जगह जगह पड़ा हुआ दिखता है, उसका वेस्टेज नगर निगम प्रयास करता है अपने पे, पर हम सोचते हैं कि नागरिकों को भी अपनी अधिकार के अलावा कर्तव्यों को भी जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह ड्रेनेज सिस्टम एक बहुत बड़ा इंदौर का प्रॉब्लम है और वर्षों पुराना है, पीने के पानी की समस्या, ट्रैफिक का और पोल्यूशन का एक दूसरे से कनेक्शन है, तो ये जो प्रायरिटीज इंदौर शहर के लिए होनी चाहिए, मैं सोचता हूँ ये सबसे बड़ी 3-4 प्रायरिटीज़ हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि स्मार्ट सिटी में इनका समायोजन हुआ होगा। किंतु मैं सोचता हूँ कि एक इससे ही जुड़ा हुआ जो लोकल प्रशासन को और हमारे जनप्रतिनिधियों को एक कर्तव्य निभाना पड़ेगा, वो ये है कि अवेयरनेस का, कि हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, पर उसको हम कैसे मेंटेन करें और शहर के नागरिक उसमें किस तरह से योगदान दें, वो जागरूक बने, तो ये मैं सोचता हूँ प्रशासन के अलावा जनप्रतिनिधियों का भी कर्तव्य बनता है कि वो लोगों को समझाएं कि किस तरह से शहर में हर नागरिक योगदान दे सकता है और उनका क्या कर्तव्य बनता है। स्वच्छ शहर बनाना या सिग्नल का पे के कानून के अनुसार रोड पे चलना, ये चीज़ें नियम कायदे से तो आती हैं, किंतु हर नागरिक को भी समझना चाहिए कि वो हमारी कर्तव्य बनता है। एक हम महान राष्ट्र सिर्फ बातें करने से नहीं बनेंगे, हम अपने छोटे छोटे करते हुए, स्वच्छता करते हुए या नियमों का पालन करना, गंदगी नहीं फैलाना, ये जब छोटे छोटे चीज़ों का कर्तव्य निभाएंगे नागरिक, तब एक बेहतर शहर और बेहतर देश बनता है। तो ये अवेयरनेस का जो है मैं बहुत ज़रूरी अंग है, जितना प्रोजेक्ट्स बनाने का है उतना ही नागरिकों को समझाने का, उनको शिक्षित करने का इस मामले में कि कैसे शहर को हम स्वच्छ सुंदर बना के रखें। जो हमारी योजनाएं बन रही हैं, जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं या जो शासन प्रशासन नगर निगम सब चीज़ें प्रयास करते हैं, उसमें कैसे सहयोग देना, ये अवेयरनेस भी नागरिकों को समझाई जानी चाहिए। सर, स्पोर्ट्स की फील्ड में आपके पास क्या सजेशंस हैं? स्पोर्ट्स की फील्ड में तो मैं सोचता हूँ इंदौर में बहुत स्कोप है, इंदौर में, मध्य प्रदेश में पूरे, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम एक दो खेलों को छोड़ दें, क्रिकेट और बास्केटबॉल को छोड़ दें, तो मैं नहीं सोचता, और कुछ हद तक थोड़ा टेनिस भी, कि बाकी इंदौर शहर में कुछ खेलने की सुविधाएं हैं और इतने मैदान, ऐसा नहीं कि मैदान नहीं है, उनका मेंटेनेंस और उनका उपयोग सही तरीके से हो, इसका उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए और बहुत स्कोप है मैं सोचता हूँ इसमें, कि जो मैदान हैं कॉलेजों में, स्कूल्स में मैदान पड़े हैं पर खाली मैदान पड़े हैं, तो अगर वो खाली पड़े हैं तो उनका कोई उपयोग नहीं है, कोई वो कुछ समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, और बहुत छोटे से प्रयास से, मिले जुले प्रयास से इन चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि जिन स्कूलों में, कॉलेजेस में या जहाँ भी मैदान खाली हैं, उनमें शासन को इस तरह से नियम कायदे बनाने चाहिए और इस तरह से कुछ गाइडलाइन बनानी चाहिए कि उसका उपयोग जो करना चाहते हैं सही लोग वो करें। आज अगर जैसे शहर में किसी को फुटबॉल सीखना है बच्चे को, या हॉकी खेलना है, या अन्य कोई ऐसे गेम ऐसे जो आउटडोर होते हैं वो खेलने हैं, तो कहीं सुविधा नहीं है, बच्चों को हम कहाँ भेजेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी न सिखाने की कोई व्यवस्था है और न खेलने की। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि शासन को या प्रशासन को ही ये चीज़ें करनी चाहिए, प्राइवेट लेवल पे बहुत सी संस्थाएं रहती हैं, खेल संस्थाएं जो करना चाहती हैं, तो मैं सोचता हूँ शासन को ऐसे जो प्राइवेट क्लब्स हैं या संस्थाएं, उनको इनक्रेज करना चाहिए कि इन मैदानों का उपयोग करें, उनको सुविधाएं दें, शासन के अंडर में ही रहें वो खेल मैदान, जैसे अगर स्कूलों के हैं या कॉलेजों के मैदान हैं, पर अगर उनका कोई संस्था उपयोग करना चाहती है ठीक से और दुरुपयोग नहीं कर रही है, तो प्रशासन को वो मैदान उन संस्थाओं को उपलब्ध कराने चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।